नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था आयुष्मान कार्ड को लेकर के, जिसमें कुछ लोग कमेंट करके और पूछ रहे थे कि आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने को लेकर के एक अपडेट आई हुई है कि अब आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपने आधार कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है pmjay.gov.in। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, सर्च करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन होगा। फर्स्ट वाले लिंक पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जो कुछ इस प्रकार से रहती है। आपको देखिए यहाँ पे ऊपर में मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, इस मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए पोर्टल का ऑप्शन, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS का ऑप्शन दिखाई देता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप BIS पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज फिर से ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्कीम का नाम को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आधार नंबर सिलेक्ट कर देना है, या वर्चुअल आईडी नंबर है तो भी आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर या वर्चुअल आईडी कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल दें। यहाँ से आई एग्री पर टिक करने के बाद यहाँ से जेनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये सभी डिटेल्स फिल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे PMJA CAPF RANG, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको PMJAY को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर भी डाल दिया हूँ, यहाँ पे आई एग्री पर मैं टिक कर दिया हूँ। एक बात मैं और आपको बता दूँ कि जो भी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे या वर्चुअल आईडी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उस आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP कैसे आएगा, OTP को जनरेट करने के लिए यहाँ से देखिए आपको जनरेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है उस पर एक OTP गया होता है। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं अपना OTP यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, मेरा OTP इस वाले नंबर पे गया है। मैं OTP को फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, इनवैलिड OTP, प्लीज ट्राई अगेन। मैं आपको बता दूँ कि या तो अभी मेरा आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, या फिर ये अभी सिस्टम नया आया हुआ है इस वेबसाइट पर आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करना, इसलिए यहाँ पे एक बग चल रहा है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन के बाद में इसको स्वतः ही ठीक कर दिया जाएगा। ये टेक्निकल इशू का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने आधार नंबर से। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड से कैसे डाउनलोड किया जाता है। अभी कुछ साइट पर एरर चल रहा है, इस कारण से डाउनलोड नहीं हो पाया। इसी प्रकार से आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ट्राई करते रहना है, जब भी एरर खत्म होता है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।